सरकार उस पर अध्ययन कर रही है, हम लोग बात कर लेते हैं, जो डिसीजन होगा कोर्ट के फैसले का भाई हम विरोध नहीं कर सकते ना। आपका आपके यहाँ ईडी क्यों नहीं आपको गिरफ्तार करती? यहाँ इतने लोग बैठे हैं, किसी को ईडी या गिरफ्तार कर ले? कहीं ना कहीं कोई मामला है, किसी के यहाँ अगर ईडी जा रही है तो कहीं ना कोई मामला है। जेल से चला हूँ चाहे घरे से चला हूँ, गठबंधन किए जब किए नहीं थे तो कांग्रेस का क्या आरोप था? इसी केस में कांग्रेस ने क्या आरोप लगाया था? इस पे हमारे अधिकारी, संबंधित अधिकारी अध्ययन कर रहे हैं कोर्ट के फैसले का। अभी मुख्यमंत्री जी से भी मिलने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं और मिल करके तब हम बताते हैं। सर, कोर्ट ने यूपी सरकार को वर्तमान में मदरसों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए व्यवस्थाएं भी करने के लिए आदेश दिया है, निर्देश दिया है, किस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी? इस पर अध्ययन हो रहा है, अधिकारी भी लगे हैं उस पर अध्ययन कर रहे हैं, विभाग पूरी तरह से उसमें लगा है। अभी फाइनल स्टेज पर हम लोग नहीं पहुंचे हैं, जो डिसीजन आता है अभी मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, मिल करके तब हम आपको बताएंगे। सर, प्रदेश के बड़े मौलानाओं का कहना है कि मदरसों में बड़े संख्या में जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और शिक्षक भी इसमें बड़े पैमाने पे हैं, अगर बंद हो जाएगा तो सब बेरोजगार हो जाएंगे, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है? भाई हम बताएं ना कि सरकार, अभी विभाग के सभी अधिकारी उसको अध्ययन कर रहे हैं, सरकार उस पर अध्ययन कर रही है, हम लोग बात कर लेते हैं, जो डिसीजन होगा कोर्ट के फैसले का भाई हम विरोध नहीं कर सकते ना, तो उस पर कौन सा रास्ता निकलेगा उस पर अध्ययन हो रहा है। मौलानाओं का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। लोकतंत्र की तो यही तो खूबी है, सब लोग स्वतंत्र हैं। सर, दिल्ली उसको लेकर कुछ बताएंगे किस तरह? अब रिजल्ट आएगा तो जानिएगा किस तरह की बैठक रहेगी। अरे रिजल्ट आएगा कोर कमेटी की बैठक और कब बताएंगे हम। अच्छा, कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की लिस्ट अभी नहीं जारी की, क्या लगता है, क्या कारण है कि जो इतनी देर लग रही है? तो कांग्रेस का मालिक हम ही, हम बताएं कहे दे रहा। अब कांग्रेस वालों से पूछिए कि हमसे पूछ रहे हैं। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर आएगा, अगर ये मामला जेल तक जाना पड़ेगा तो सरकार वो दिल्ली से मतलब जेल से ही चलाएंगे। जेल से चला हूँ चाहे घरे से चला हूँ, गठबंधन किए जब किए नहीं थे तो कांग्रेस का क्या आरोप था? इसी केस में कांग्रेस ने क्या आरोप लगाया था? वो आप ही लोग ने अपने चैनल पे चलाए थे कांग्रेस का बयान, अब एक हो गए हैं तो बयान शामिल बाजा का आ रहा है। गिरफ्तारी को किस तरह से देखते हैं आप? आपका आपके यहाँ ईडी क्यों नहीं आपको गिरफ्तार करती? यहाँ इतने लोग बैठे हैं, किसी को ईडी या गिरफ्तार कर ले? कहीं ना कहीं कोई मामला है, किसी के यहाँ अगर ईडी जा रही है तो कहीं ना कोई मामला है। देख नहीं रहे हैं, नोट गिनते गिनते मशीन गर्म हो जा रही है, खड़ी हो जा रही है, अब इसके बाद भी ईडी का दोष दीजिए तो क्या करें। अच्छा, भाजपा कह रही है जेल से सरकार नहीं चलाई जाती, गिरोह चलाया जाता है। अब संविधान क्या कहता है, अब संविधान के दायरे में रह के ही काम होगा ना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।